नमस्कार, मैं कुसुम राजावत अष्टबंधनम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अलवर का मावा, जिसे मिल्क केक कहा जाता है, वो बनाने जा रहे हैं। इसके लिए लिया है मैंने मावा, डेसिकेटेड कोकोनट, शक्कर, इलायची पाउडर और दूध। ये फुल क्रीम मिल्क है जिसको हमने गर्म करके रख दिया है। इसको हम दोबारा गर्म करके इसको गाढ़ा करेंगे। जब दूध गाढ़ा हो जाता है, उतनी देर हम इसको चलाते हुए गर्म करेंगे। दूध खोल खोल के देखिए गाढ़ा हो गया। हम इसके किनारे नहीं लगने देंगे। ये खास विशेष बात ध्यान रखें, ख़ास तौर पर अगर किनारों पर दूध लगता है तो आप उसको हाथों हाथ ही वहाँ से हटा लें। एकदम गाढ़ा दूध हो गया, अब हम इसको फाड़ेंगे। तो इसको फाड़ने के लिए हम इसमें नींबू के रस का यूज़ करेंगे। नींबू का रस डल गया है और अब हम इसको हिला रहे हैं, धीरे धीरे चलाते रहेंगे और ये दूध धीरे धीरे देखिए गाढ़ा होकर के इसमें जाली लग के फटेगा। थोड़ा सा रस हम इसके बाद में, थोड़ी देर बाद में और डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे सारा नींबू का रस। इस तरह से देखिए इसमें ये दाने आने लग गए, हमें दाने ही चाहिए। धीरे धीरे हम इसमें थोड़ा थोड़ा नींबू का रस और डालते हुए इसको फाड़ेंगे। थोड़ा सा नींबू का रस अब और डालेंगे हम इसमें और इसको हिलाएंगे। देखिए इसमें गाढ़ी जालियाँ, दाने और ज़्यादा दाने आने लगे। इस तरह से धीरे धीरे हम इसको हिलाते हुए किनारों पे इसको लगने नहीं देंगे, ये ध्यान रहे बात। देखिए इसमें शानदार दाने आ गए हैं। अब हमने जो मावा लिया था उस मावे को इसमें मिक्स कर देंगे। तो हम इसमें मावा डाल देते हैं। अब देखिए इसमें काफ़ी थिकनेस है और हम इसको और गाढ़ा होने देंगे। देखिए एकदम गाढ़ा हो गया। अब हम इसमें ये शुगर डाल देंगे और इसके अंदर थोड़ा सा घी डालेंगे। एक कटोरी घी है जिसमें से हम एक चम्मच घी इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसको मिलाएंगे। अब हम इसमें एक चम्मच घी और डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें एक चम्मच घी और डाल देंगे। बस इससे ज़्यादा घी नहीं डालेंगे हम इसमें। देखिए इसमें चिकनाई आ गई है, चमक आ गई है। अब हम इसमें ज़्यादा घी मिक्स नहीं करेंगे। ये देखिए इस कंसिस्टेंसी पे आ चुका है। अब हम इसको जमाने के लिए बर्तन तैयार करेंगे। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा कोकोनट पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डाल देंगे जिससे इसका टेक्स्चर अच्छा हो जाएगा। अब इसको मिक्स करेंगे। इसको मैंने चौकोर बर्तन लिया और इसको मैंने ग्रीस कर लिया। जैसा आपके पास में पात्र हो उस हिसाब से ये हमने सेट करने के लिए लिया। एक इसको भी किया है मैंने ग्रीस करके, इसको भी रख दिया। अब हम इसमें इस बैटर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसको गरम गरम ही रखेंगे ताकि इसमें ब्राउन शेप आ जाए, शेड आ जाए। बीच वाला पार्ट अपने आप इसमें ब्राउन होता है। इसको हमने ढक्कन लगा दिया है। 2-3 घंटे इसको हम टॉवल में या ब्लैंकेट में लपेट करके गर्मी में रखेंगे और उसके बाद में हम इसको कट करेंगे। तो ठीक है, चलते हैं हम इसको ब्लैंकेट में लपेटने के लिए। हमने इसको 6 घंटे तक टॉवल में लपेट करके रख दिया। अब हम इसको अलग करने के लिए इसकी किनारों को नाइफ़ से सेपरेट कर लेते हैं। इस तरह से हम इस पर किनारों पर नाइफ चलाएँगे। हमने इसको 6 घंटे तक टाउल में लपेट करके रख दिया। अब हम इसको अलग करने के लिए इसकी किनारों को नाइफ से सेपरेट कर लेते हैं। इस तरह से हम इस पर किनारों पे नाइफ चलाएंगे। इस ट्रे को हम इस पर उलट लेंगे और इस टिफ़िन को एकदम उल्टा कर देंगे। उल्टा करके हम इसको टैप करेंगे। ये
ये देखिए शानदार शानदार अलवर का केक तैयार है। खाइए, एंजॉय कीजिए। जैसी आपको काटना है वैसे आप इसको काटिए, लंबा काटिए, पतला काटिए, जैसी भी आपकी इच्छा है वैसे शेप आप इसको काट सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। पुनर्दर्शनाय जय महाकाली।